स्टील फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव बिमल कुमार बिसी ने उड़ीसा में तालचर बिमलागढ़ पथ हेतु राज्य व केंद्र सरकार से किया अनुरोध, जिससे राउरकेला और भुवनेश्वर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर घट जाएगी व कई अंचल जैसे बारकोट समल बैरेज होंगे प्रगतिशील। राउरकेला स्टील प्लांट एजुकेटिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया जितना स्टील प्लांट है पीएसयू का, स्टील एजुकेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एनआईटी एलुमनी एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी सदस्य हूँ। देखिए राउरकेला में आज 51 बरस साल हो गया, तालचे बिमलागढ़ के होल राउरकेला ने ब्लड शेड किया था, रेल लाइन में सोए थे, उसका बाद भी एक भी पैसा गवर्नमेंट नहीं दिया। बट जब वाजपेयी सरकार 2004 में जाने वाले थे, उसका एक साल पहले जो जोलराम जी उस टाइम ट्राइबल मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ने 5 करोड़ सैंक्शन किया था तालचे बिमलागढ़ को, बहुत राउरकेला का आकांक्षा का। बट उसका बाद में कभी भी ओडिशा गवर्नमेंट ने टेकअप नहीं किया था। अभी 4 साल हुआ, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ करीब दिया है और उड़ीसा गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन पर चल रहा है काम, तालचे से करीब 20 किलोमीटर काम कंप्लीट हो गया है। खाली मैं उड़ीसा गवर्नमेंट को इतना अनुरोध करता हूँ कि मेरे पास जो लेटर आया है कि अगर सुंदरगढ़ तरफ से, सुंदरगढ़ से अगर लैंड एक्विजिशन खत्म हो जाता है तो तालचे बेलनगर रेलवे लाइन 23 मार्च का सुधा खत्म हो जाएगा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट को मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि तालचे बिमलागढ़ लैंड एक्विजिशन को टॉप प्रायोरिटी में लीजिए एंड और सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड के लिए मैं निवेदन करता हूँ, सो दैट राउरकेला का भुवनेश्वर का डिस्टेंस, राउरकेला का पारदीप का डिस्टेंस 100 किलोमीटर घट जाएगा एंड राउरकेला में सुना फैलेगा, कितना एरिया डेवलप्ड हो जाएगा, जैसे बारकोट हुआ, आमगांव हुआ, समल बैरेज हुआ, कितना एरिया डेवलप हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को आपका माध्यम से अनुरोध करता हूँ इसको टॉप प्रायोरिटी लेने के लिए। नमस्कार।